सो हाई एवरी वन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी क्लासेस। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म पे ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस क्रिटिक, फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर है हेलेन सिको। हेलेन सिको ये एक प्रोफेसर भी है, हेलेन सिको, और एक फ्रेंच फेमिनिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, हेलेन सिको का, और बहुत फेमस वर्क लिखे हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप प्लीज इनको निकाल लीजिए। कुछ एड ऑन करना होगा तो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, ठीक है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं उनके पास तो सबके पास है ही ये, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको नहीं पता इनके बारे में तो वो भी इनको मंगवा सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आज हेलेन सिको के बारे में, जो सी वॉज बोर्न इन 1937 में ये इनका जन्म होता है। ये एक प्रोफेसर है और फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर है, पोएट है, प्लेराइट, फिलोसोफर एंड लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, जो हेलेन सिको है इनका एक बहुत फेमस एसे है द लाफ ऑफ मेडुसा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, सी वॉज इंस्पायर्ड बाय जैक्स डेरिडा, जैक्स या जैक्स जो भी बोलते हो आप। सी वॉज इंस्पायर्ड बाय जैक्स डेरिडा और डेरिडा ने इनको रेफर किया है, मतलब डेरिडा जो जैक्स डेरिडा है उनको मानते हैं कि ग्रेटेस्ट लिविंग राइटर है ये फ्रेंच लिटरेचर में, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें जैक डेरिडा या जैक्स डेरिडा ये मानते हैं इनको एज ए ग्रेटेस्ट लिविंग राइटर इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। और इनके साथ मिलके इन्होंने एक वर्क्स भी लिखा है, वॉयल्स, वॉयल्स या कई जगह पे आपको वॉयल्स मिलेगी, ठीक है। तो ये लिखा था 1998 में, वाइल्स। और इतना ही नहीं, हेलेन सिको ने जैक्स डेरिडा पे एक बुक भी लिखी है, ठीक है। और बुक का नाम है, ये नाम लिख लो, पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा एज ए यंग ज्यूविश सेंट, पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा एज ए ज्यूविश सेंट, दैट इज द नेम ऑफ द टाइटल। इसकी जो बुक लिखी है डेरिडा के ऊपर, जो बुक लिखी गई है उसका टाइटल है ये, जो हेलेन सिको ने लिखा, पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा एज ए यंग ज्यूविश सेंट, एज ए यंग ज्यूविश सेंट। अब देखो इस तरह का पोर्ट्रेट एज ए यंग ऐसा टाइटल कहां पे पड़ा है, रेफरेंस याद करने की कोशिश करो। हमने पढ़ा है जेम्स जॉयस का द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ठीक है। और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग कहां पे पढ़ा है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, ठीक है। इस तरह से सेम टाइटल मिलते जुलते हैं तो उनको रेफरेंस में लिख लिया करो, ठीक है। और मैड डॉग वाला लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने और एज ए यंग मैन लिखा है जेम्स जॉयस, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अलोंग विद लुईस एरिग्री, नाम लिखो ये, अलोंग विद लुईस एरिग्री एंड वन मोर राइटर जूलिया क्रिस्टीवा, अलोंग विद लुईस एरिग्री एंड जूलिया क्रिस्टीवा, हेलेन सिको इज कंसिडर्ड मदर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फेमिनिस्ट थ्योरी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो फेमिनिस्ट थ्योरी है उसमें इनको मदर कंसिडर किया जाता है, तीनों को, लुईस एरिग्री को, जूलिया क्रिस्टीवा को और हेलेन सिको, इन तीनों को क्या माना जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी की मदर इनको कंसिडर किया जाता है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से तीन राइटर हैं ऐसी जिनको एज ए मदर कंसिडर किया जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फेमिनिस्ट थ्योरी में। तो ये वाले तीन राइटर्स के नाम आप याद रखोगे इसके साथ, ठीक है। अब ये जो हेलेन सिको है ये क्या मानती है कि
ये वाला जो लाव ऑफ मेड्यूसा वाला जो ऐसे लिखा है, इसमें इन्होंने बात की है कि जो हमारी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, हाँ, ये बिलीव करती है कि जो हमारी जो सेक्सुअलिटी है वो डायरेक्टली बंधी हुई है कि हम सोसाइटी में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हेलेन सिको, ये जो फेमस ऐसे है, द लाव ऑफ मेड्यूसा, लिख लो इसको, कहां गया डस्टर, द लाव ऑफ मेड्यूसा। द लाव ऑफ मेड्यूसा, इसमें ये क्या बिलीव करती हैं कि यहां बात की गई है वुमेन या तो पढ़ ले, ठीक है, लिखे, या फिर अपनी ही बॉडी के जाल में ये फंसी रहे और उस लैंग्वेज को फॉलो करती रहे जो किसने बनाई है, मर्दों ने बनाई है, जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, मेल के प्रस्पेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई गई है, या उसको चुपचाप फॉलो करती रहे, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, जो औरतों को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं करती है ये वाली लैंग्वेज, जो यानी कि मेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं वो वुमेन को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं करती, तो फिर इन चीजों से हमें बाहर निकलना है, ऐसा बोला है हेलेन सिको ने। इनसे बाहर निकलना है तो हमें अपनी ही बॉडी को एज ए वे ऑफ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बॉडी को एज ए वे ऑफ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो करनी पड़ेगी कि एज ए वुमेन हम लिख सकते हैं, जो भी मन मर्जी आए वो लिखो, लेकिन लोगों को दिखाओ एज ए हम वुमेन जो है वो लिख रहे हैं, ना कि मेल के प्रस्पेक्टिव से लिख रहे हैं, मेल के प्रस्पेक्टिव से कुछ अलग लिखना है, ठीक है, उनके थोड़ा बहुत अगेंस्ट भी लिख सकते हो, ऐसा बोला है इसने, इसमें द लाव ऑफ मेड्यूसा में हेलेन सिको ने। और इसमें एक बहुत फेमस टर्म है एक्रीचर फेमिनाई, एक्रीचर फेमिनाई, ये वाला एक्रीचर फेमिनाइन में इस कॉन्सेप्ट में क्या बात की है कि ये एक ऐसा वैसे राइटिंग स्टाइल है जिसमें पैट्रियार्कल सिस्टम जो चलता आ रहा है, ठीक है, वो और ये इसमें जो कन्वेंशनल रूल्स है, ठीक है, ये औरतें उन रूल्स से बाहर निकले, ठीक है, जो मेल पैट्रियार्की वाला सिस्टम चलता आ रहा है उनको फॉलो ना करें, उससे बाहर निकले। इसका मतलब है एक्रीचर फेमिनाइन वुमेन को क्या अलाउ करता है कि क्या करने के लिए वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कुछ भी करने के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद की आइडेंटिटी और सेल्फ नैरेटिव को बिल्ड करे, ऐसा एक्रीचर फेमिनाइन जो है वो इनको एड्रेस करता है, वुमेन को इस तरह से करने की प्रेरणा देता है। एक्रीचर फेमिनाइन का मतलब यही है कि वो इन चीजों से बाहर निकले और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बनाए, ठीक है, सोसाइटी में दिखाएं कि हम भी कुछ अलग कर सकती हैं, ठीक है, जो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखा गया है या जो चलाया गया है उन नॉर्म्स को ब्रेक करें, ठीक है, और अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करें जिससे वो इक्वलिटी जो है उसको, मतलब दोनों को इक्वल रखा जाए, मेल और फीमेल को इक्वलिटी मिले फिर, ठीक है, इस तरह से ये इसमें आता है एक्रीचर फेमिनाइन में। इसका एक और इंपॉर्टेंट टर्म है लॉजिक ऑफ एंटीला, ये भी लिखो, लॉजिक ऑफ एंटी लव, लॉजिक ऑफ एंटी लव क्या है, ये एक जो सिस्टमेटिक ऑपरेशन जो चला हुआ है वुमेन के ऊपर, औरतों को लेकर जो पैट्रियार्कल सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है, जो भी पैट्रियार्कल फिगर है उन्होंने क्या किया है, वुमेन को ऑप्रेस्ड किया है बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करती है इसमें, ठीक है, लॉजिक ऑफ एंटी लव में वो उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब किया है इसने, हेलेन सिको ने। इसलिए जो लाव ऑफ मेड्यूसा है इसमें इसको फेमिनाइन मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और ये राइटिंग है जो हेलेन सिको की जो राइटिंग है इसने इसको क्या बोला है, लाव ऑफ मेड्यूसा को इसमें बोला है इसने फेमिनाइन मोड को, यानी कि एक्रीचर फेमिनाइन जो है वो फेमिनाइन मोड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट इंक, हेलेन सिको ने इसको बोला है व्हाइट इंक और एक्रीचर फेमिनाइन, ये भी पॉइंट याद रखना, इसको व्हाइट इंक भी बोला है हेलेन सिको ने, ठीक है, ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा इसके कुछ और जो टाइटल्स हैं हेलेन सिको के जो पढ़ने हैं, द लाव ऑफ मेड्यूसा केम इन 1975, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है 1975। उसके बाद द न्यूली बोर्न वुमेन, द न्यूली बोर्न
वुमेन, ये वाला टाइटल है। इसके बाद कमिंग टू राइटिंग, टाइटल तो आपको सारे ही याद करने हैं, कमिंग टू राइटिंग। इनके जो फेमिनिज्म वाले जो राइटर है ना, इनके मैच मेकिंग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये बिल्कुल इजी इजी वाले, जो जैसे कि द लाफ ऑफ मेड्यूसा होगा, इसको मान लो चार राइटर दे देंगे आपको, चार फेमिनिस्ट क्रिटिक दे दिए, उनके चार वर्क्स दिए, उनको मैच करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बिल्कुल सरफेस लेवल से। उसके बाद थ्री स्टेप्स ऑन लैडर ऑफ राइटिंग, थ्री स्टेप्स ऑन लैडर ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट वन, इसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा सर्वाइविंग टेक्स्ट। स्टिग्मा क्या होता है? धब्बा। राइटिंग टेक्स्ट। देन इसके बाद है वॉयल्स, ये हमने पहले ही लिख लिया था, जो येक्स इस डेरिडा के साथ लिखा है। लेकिन अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जो बहुत कम लोग याद रखेंगे इनको, द न्यूली बोर्न वुमेन जो है वो अकेले ने नहीं लिखा है, एलन चिको ने कोलेबरेशन में लिखा है, नाम लिख लो कैथरीन क्लेमेंट, कैथरीन क्लेमेंट। और उसके बाद कमिंग टू राइटर, कमिंग टू राइटर इनका खुद का ही है। और थ्री स्टेप्स ऑन लैडर ऑफ राइटिंग, ये सुजान सेलर्स के साथ मिलकर लिखा है कोलेबरेशन में, सुजान सेलर्स के साथ मिलके, ठीक है। तो ये है हमारा फेमिनिज्म में ये वाले राइटर हेलन सिको, ठीक है। इसके बाद हम एक राइटर और पढ़ेंगे अभी, जिसका नाम है केट मिलेट। केट मिलेट भी इंपॉर्टेंट राइटर है, यहां से भी मैच मेकिंग में कई बार क्वेश्चन आए हैं पेपर में। प्लीज पुट द टाइटल केट मिलेट। केट मिलेट का एक वर्क तो सबने सुना होगा अब तक, इनका जो वर्क है केट मिलेट का वो है, ये वैसे 1934 में इनका जन्म होता है केट मिलेट का, और इनकी डेथ हो जाती है 2017 में। ये अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर है, एक राइटर एजुकेटर आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट है, और इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए सेमिनल इन्फ्लुएंस ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म। तो इनकी लाइफ पे सेकेंड वेव फेमिनिज्म का काफी असर हुआ, जिसके बाद इन्होंने एक बहुत फेमस वर्क लिखा सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1970 में इसको लिखा है, 1970 में इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। यहां ये जो केट मिलेट है, इनकी राइटिंग्स वैसे मोटिवेटेड है किससे, जो वुमेन्स के लिए जो राइट्स हुए, वुमेन के राइट्स के लिए जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जो रिफॉर्मेशन की गई है, और बहुत सारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज हैं जो कि एक्सप्लोर कर रही है सेक्सुअलिटी को, ठीक है, मेंटल जो हेल्थ है उसको लेकर और रिलेशनशिप को लेकर। तो इनसे इनके वर्क्स काफी इंस्पायर्ड है, और नॉन फिक्शन अमेरिकन जो क्रिटिक है ये इन्होंने लिखा है। पहला तो इसका लिख लो सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो ये लिखा हुआ है, ये वैसे इनका जो पीएचडी इनकी उस पे बेस्ड है, पीएचडी की जो डेजर्टेशन इन्होंने लिखी है, तो इसमें ये एक्सप्लोर करती है किसके रोल को, पैट्रियार्कल प्लेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। शी फोकस ऑन द वर्क ऑफ फेमस ऑथर, इसमें कुछ फेमस ऑथर है, ठीक है, उनपे भी इसने क्या किया है, इनकी वर्क्स को स्टडी किया है कि जो मेल राइटर है इन्होंने क्या किया है, फीमेल को किस तरह से मैन्युपुलेट किया है अपने वर्क्स में। जैसे कि नाम लिख लो इनके, डीएच लॉरेंस, नॉर्मन मेलर, नॉर्मन मेलर, और इसके अलावा है जीन जेनेट। एक राइटर और है, ये है हेनरी मिलर, हेनरी मिलर, ठीक है, इनको इनके वर्क्स को इसने स्टडी किया है इसके अंदर। तो किस तरह से जो मेल राइटर है इन्होंने इनकी जो फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट है या कैरेक्टर है उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया है, ऐसी बात की है इसमें। और इसकी स्पेशली थीम किस पे, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो वुमेन है उसके साथ किस तरह से भेदभाव किया गया है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
ठीक है। तो दोनों में ये कि इनकी जो थीम है इनपे है, तो किस तरह से वुमेन के साथ या फिर वुमेन को कुछ चीजों से वंचित रखा गया, कुछ तो क्या कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों से वंचित रखा गया था पहले तो, आजकल तो नहीं है, आजकल तो बिल्कुल इक्वलिटी से भी ऊपर चला गया है कुछ लेवल इनका, ठीक है। लेकिन कई जगह पे अभी भी ऐसा नहीं है, इक्वलिटी अभी भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोग काम कर रहे हैं उनको जगाने के लिए, ठीक है, ये मूवमेंट जो चल रही है। और एक पॉइंट और लिखो, अकॉर्डिंग टू पीटर मैंसो द प्रिजनर ऑफ सेक्स बाय नॉर्मन मेलर इज रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल पॉलिटिक्स। जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट ने लिखा है, इसके रिस्पॉन्स में नॉर्मन मेलर ने लिखा है एक वर्क, द प्रिजनर ऑफ सेक्स, द प्रिजनर ऑफ सेक्स, ये किसने लिखा, प्रिजनर ऑफ सेक्स लिखा है नॉर्मन मेलर ने, किसके रिस्पॉन्स में, सेक्सुअल पॉलिटिक्स के रिस्पॉन्स में, ऐसा किसका मानना है, अकॉर्डिंग टू पीटर मैंसो। पीटर मैंसो की कोई राइटर हो सकता है, कोई बायोग्राफर होगा, ठीक है, शायद बायोग्राफर ही है ये। पीटर मैंसो के अकॉर्डिंग सेक्सुअल पॉलिटिक्स के रिस्पॉन्स में द प्रिजनर ऑफ सेक्स लिखा है नॉर्मन मेलर ने, ये पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट बुक है केट मिलेट की, इसका नाम लिखो, वैसे इसका इंपॉर्टेंट एक ही है, थोड़ा सा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहो, 1970 का ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स। उसके बाद है फ्लाइंग देन सीता, ठीक है, सीता, और इसके बाद है द लोनी बीन ट्रिप, देन इसके बाद नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ क्रुएलिटी एंड वन मोर टाइटल मदर मिलेट, ये वाला एक टाइटल और है, ठीक है। बस ये टाइटल आपको याद करने हैं, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो टाइटल पढ़ने थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, इसके अलावा वैसे ज्यादा आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा मैच मेकिंग से। सो दिस इज ऑल अबाउट केट मिलेट एंड हेलन सिको। सो अगर आप डिटेल में इनके और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो अभी मैंने आपको जो नोट्स दिखाए थे आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।